नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर NH-80 पर जाम हटाने पहुंचे SDO पर बाढ़ पीड़ितों ने किया पथराव, गाड़ी हुआ क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। सप्तमी पूजा पर मंदिरों और पूजा पंडालों में मां के दर्शन को खुले पट, भक्तिमय माहौल में की गई मां के सातवें स्वरूप काल रात्रि की पूजा अर्चना। दो अलग अलग जगहों पर हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, SSP आशीष भारती ने आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। और दुर्गा पूजा को लेकर महिलाओं में दिख रहा है खासा उत्साह, डांडिया की धुन पर जमकर थिरकी महिलाएं। और अब खबरें विस्तार से। नाथनगर थाना क्षेत्र के NH-80 रामचंद्रपुर नवटोलिया के समीप बाढ़ पीड़ितों ने SDO की गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस घटना में SDO की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पथराव होता देख SDO अपनी गाड़ी से निकलकर जान बचाने के लिए CO की गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद SDO के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ पीड़ितों की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल शनिवार की दोपहर SDO आशीष नारायण सरकारी कार्य से सुल्तानगंज की ओर जा रहे थे, इसी दौरान राहत की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने रामचंद्रपुर नवटोलिया को जाम कर दिया था, जिसके बाद SDO के सुरक्षा कर्मियों ने जाम को हटाने की बात कही। उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों और बाढ़ पीड़ितों के बीच विवाद शुरू हो गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ पीड़ित गुट्टर यादव की पिटाई कर दी, जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और पथराव शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि सुरक्षा कर्मियों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी सुरक्षा कर्मियों को खदेड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, सिटी DSP राजबंश सिंह कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं सदर SDO ने गोली फायरिंग की घटना से इनकार किया है, साथ ही कहा कि पथराव में सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर को चोट आई है। कि एक बड़ी सी सिमनी लकड़ी की डाल के ट्रक से कुछ वसूली कर रहे थे, तो मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को भेजा कि जाकर देखिए वहाँ पे क्या समस्या है, क्यों जाम किया हुआ है सड़क को। तो इन्होंने समझा कर जब उस सिल्ली को हटाना चाहा तो उन लड़कों ने मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स को लाठी से मारा। लाठी से मारने के क्रम में जब ये लोग पीछे इनको ठेले हैं तो उसके बाद हमारी गाड़ी पर इन्होंने हमला कर दिया है और गाड़ी चूर चूर कर दी है। भागलपुर जिले के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में शनिवार को मां के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना की गई। सप्तमी पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी पूजा स्थलों पर मां के दर्शन के लिए पट को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही पूरे शहर में पूजा पंडालों की तैयारी भी पूरी हो गई है। शहर के मारवाड़ी पाठशाला में मेदिनीपुर का आकर्षक बुद्ध मंदिर पंडाल का निर्माण किया गया है। वहीं कचहरी चौक स्थित गुजरात का स्वामी नारायण अक्षरधाम, आदमपुर चौक पर भव्य मंदिर का पंडाल बनाया गया। वहीं पूजा समितियों के द्वारा सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और अग्निशमन यंत्र को पूजा पंडालों में लगाया गया है। मां का पट खुलते ही पूरा शहर भक्ति में डूब गया है। वहीं दुर्गा पूजा महासमिति के कार्यकारी अध्यक्ष चिरंजीवी कुमार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में दशहरा मनाने की अपील की। साथ ही चिरंजीवी यादव ने कहा कि शहर के सभी पूजा पंडालों पर दुर्गा पूजा महासमिति की नजर है। दुर्गा पूजा महासमिति पूरी टीम मेरी सघन दौरा सब स्थानों पे कर रही है और सब जगह जाके स्थान पे हम लोग अपनी बातों को बता रहे हैं। प्रशासन भी चार चौवन के लिए लगे हुए हैं और मैं स्थान से यही अपील कर रहा हूँ कि जो शासन और प्रशासन का दिशा निर्देश है उस पे हम लोग फॉलो करते हुए और भागलपुर में अच्छे नागरिक के भांति ये दशहरा पर्व को बहुत अच्छे ढंग से मनावें। हर स्थान पे हम लोग पूरी समिति साकुंड स्थित महतो स्थान में पूजा अर्चना कर घर लौट रहे दो व्यक्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। हादसे में दोनों व्यक्ति की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। घटना साकुंड असरगंज मुख्य मार्ग के रसीदपुर चौक के समीप की है। मृतक व्यक्ति की पहचान हलकारा चक निवासी 25 वर्षीय दिवाकर राम और 65 वर्षीय सुधा राम के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ गई और मुख्य सड़क मार्ग को घंटों
जाम कर दिया। दरअसल दोनों व्यक्ति शनिवार की सुबह साकुन थाना क्षेत्र स्थित दूध चढ़ाने महतो स्थान गया था। पूजा के बाद घर लौटने के दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। इस दौरान स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बाद थाना अध्यक्ष अमित कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। वहीं ग्रामीण परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ ने मुआवजा दिए जाने की बात कही, जिसके बाद जाम को हटाया गया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। हम आपको बता दें कि शाकुंड असरगंज मुख्य मार्ग पर किसी भी जगह दिशा सूचक बोर्ड पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं लगाया गया, जिसके कारण इस मार्ग पर हमेशा दुर्घटना के शिकार होकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कहलगांव अनुमंडल के इकचारी स्थित त्रिमोहान नदी में स्नान करने गए दो नाबालिग युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान इकचारी गांव निवासी अमर कुमार गुप्ता के 14 वर्षीय पुत्र अंशु राज और सुबोध गुप्ता के 17 वर्षीय पुत्र शशि राज के रूप में हुई है। मृतक अंशु राज मध्य विद्यालय इकचारी में 7वीं कक्षा का छात्र था, तो वहीं शशि राज NTPC DAV में 11वीं कक्षा का छात्र था। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह दोनों नदी में स्नान करने गया था। इसी दौरान वह बिजधार में चला गया, जहां गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद दोनों को कहलगांव अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। सोशल मीडिया की आड़ में अफवाह फैलाने वालों को पुलिस अब सीधे जेल भेजेगी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर निवासी रमेश चंद्र के पुत्र अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया है, जिस पर फेसबुक चलाया जा रहा था। SSP आशीष भारती ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाह जिससे सद्भाव बिगड़ता हो या कानूनन अपराध है। SSP ने कहा कि आरोपी युवक अमित के फेसबुक अकाउंट पर 30 सितंबर को एक पोस्ट किया गया था, जिसमें साधु और बच्चे के फोटो के साथ लिखा था, भीख मांगने वाले साधु किडनी निकाल रहे। SSP ने कहा कि जब पोस्ट की जांच की गई तो अफवाह फैलाने के उद्देश्य से पोस्ट डालने की बात सामने आई। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को शनिवार को जेल भेज दिया। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की ओर से मुंदीचक स्थित माँ दुर्गा मंदिर परिसर में डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें मातृशक्ति की सदस्या मनीषा, अंजना, बबीता, शशिकला, अनीता कौशिक, श्रद्धा शर्मा, पूनम पांडे, सुजाता, नीतू सहित दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने माता के भजन पर जमकर डांडिया का लुत्फ उठाया, जिसके बाद सभी महिलाओं के बीच सुहाग के प्रतीक सामानों का वितरण किया गया। माँ की आरती के बाद प्रसाद के रूप में सभी भक्तों के बीच खीर का वितरण किया गया। इस दौरान श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए Silk TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजीशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे Silk TV। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के कई इलाके बाढ़ में अभी भी डूबे हुए। विपदा की घड़ी में लोग अपने हिसाब से मृत परिवारों की मदद कर रहे हैं। कोई खाने पीने के सामान लेकर बाढ़ से घिरे लोगों के बीच जा रहा है, तो कोई भोजन बनाकर बाढ़ पीड़ितों को खिला रहा है। मददगारों की इसी कड़ी में एक नाम भागलपुर के अजय कुमार यादव का जुड़ गया है। अजय कुमार पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक है, जो सराय और खंजरपुर इलाके में कोचिंग चलाते हैं। साथ ही पुलिस पाठशाला में छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देते हैं।
अपने शिक्षण कार्य से ऊपर उठकर अजय यादव ने समाज सेवा की भावना से नाथनगर के दो गच्छी इलाके में करीब 2000 परिवार को भोजन कराकर मिसाल पेश कर दिया। वहीं भोजन मिलने से ग्रामीणों में काफ़ी खुशी देखी गई और बाढ़ पीड़ितों ने शिक्षक अजय द्वारा किए गए कार्यों की जमकर प्रशंसा की। वहीं अजय यादव ने कहा कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। बाढ़ पीड़ित का जो खाना बन रहा है अजय कुमार के द्वारा, जो प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के सदस्य हैं उनके द्वारा चल रहा है, और लगभग यहाँ दो गच्छी में लगभग 2000 आदमी का खाना तैयार हो रहा है। शारदीय नवरात्र के सातवें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसी को लेकर वहाँ से डिओरी प्राचीन दुर्गा मंदिर में शनिवार की सुबह बोधन कलश को पूरे विधि विधान से चंपा नगर स्थित बंगाली टोला घाट पर भरा गया। इसके बाद नवपत्रिका को गंगा स्नान कराकर देवी के रूप में वेदी पर स्थापित किया गया। पूजा सम्पन्न होने के दौरान मंदिर के पुजारी मंटू बाबा एवं बंगाल से आए पुजारी देवाशीष मुखर्जी ने धन के प्रतीक कुबेर के रूप में कौड़ियाँ लुटाई, जिसको पाने के लिए विभिन्न इलाकों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। पुजारी मंटू बाबा ने बताया कि कौड़ी को प्राप्त करने वाले श्रद्धालुओं को सुख संपत्ति प्राप्त होती है और यह परंपरा करीब 150 वर्षों से चली आ रही है। एक साल से तो इसी दिन का इंतजार करते हैं। आज पहले दिन पुष्पांजलि हम लोग शुरू करते हैं, आज से 7-8-9 ये 3 दिन होता है। हम लोग आते हैं घर के साफ सफाई के बाद हम लोग मंदिर आते हैं, मंदिर में पुष्पांजलि होता है, पुष्पांजलि के पहले यहाँ पूजा होता है, पूजा के बाद कौड़ी लुटना होता है। हम लोग तो यहाँ 3 दिन यहाँ कौड़ी लुटना होता है। आज का दिन सप्तमी का दिन है, माँ दुर्गा का जो है मेन पूजा तो शुरू होने से बहुत दिन हो गया। हमारे यहाँ पूजा जो है एक पूजा नहीं होता है, बोधन बोलते हैं, उस समय से शुरू हुआ है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जिले भर में कई संगठन काम कर रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन कर भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्य बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। पिछले कई दिनों से जीवन जागृति बाढ़ राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच शुद्ध पेयजल पहुँचा रही है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि गौराडीह प्रखंड स्थित जोगिया गाँव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, फिर भी हमारे सदस्य ट्रैक्टर का प्रयोग कर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे। रन्नू चक समेत कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जीवन जागृति बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रही है। डॉक्टर अजय ने कहा कि बाढ़ की भयावह स्थिति और संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्होंने अपने निजी क्लिनिक स्नेह बाल सेवा केंद्र में 2 बेड पर बीमार बच्चों का निःशुल्क इलाज करने का फैसला लिया है। साथ ही डॉक्टर अजय ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आम लोगों से आगे आने की अपील की है। हम लोग शुरुआत से ही बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगे हुए हैं। हम लोग सब और एरिया में जो भी कैंप लगा हुआ है, जहाँ लोग बाढ़ क्षेत्र से आके रुके हुए हैं, उन लोगों के बीच हम लोग ने पानी वितरण किया। सैकड़ों गैलन पानी, शुद्ध पानी हम लोगों ने दिया, यहाँ तक कि गाड़ी में टंकी बना के और उसको वितरित किया हम लोगों ने। कपड़ा, पुराना कपड़ा हम लोग बांटे, चूँकि बाढ़ में पानी की कपड़ों की दिक्कत हो जाती है, और साथ ही हम लोग भोजन सामग्री वितरित किए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हर समुदाय और धर्म के लोग आगे आ रहे हैं। मानवीय सेवा को ध्यान में रखते हुए कई सामाजिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। वहीं जमात ए इस्लामी हिंद भागलपुर इकाई की ओर से बुनकर बहुल क्षेत्र नाथनगर में राहत सामग्री वितरित की गई। जमात इस्लामी हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि करीब 200 परिवार के बीच फिलहाल राहत सामग्री बांटी गई है। संस्था के जिला अध्यक्ष सैयद शबीर अहमद ने बताया कि पानी घटने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य जाँच शिविर भी लगाया जाएगा। वहीं मोहम्मद एजाज नसीम ने बताया कि सर्वे के आधार पर स्थानीय लोगों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाएगी। साथ ही जमात इस्लामी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आम लोगों से आगे आने की अपील करती। मौके पर मोहम्मद फारूक, अशदुल्ला गालिब, समाज सेवी मोहम्मद चुन्ना समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर DPS जूनियर स्कूल में दुर्गा पूजा के अवसर पर डांडिया डांस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की निदेशिका विनीता देवी ने की। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने डांडिया स्टिक से जमकर मस्ती की। इसके पूर्व स्कूल के शिक्षकों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। वहीं प्राचार्या कुमारी पूजा ने DPS जूनियर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दुर्गा पूजा की शुभकामना दी और दशहरा का महत्व बताया।
बाढ़ की मार झेल रहे नाथनगर वार्ड संख्या 4 के बाबू टोला मेदनी नगर की जनता को अब तक किसी प्रकार की राहत सामग्री नहीं मिल सकी है। वहीं ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए समाजसेवी पप्पू यादव ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया। पप्पू यादव ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री वितरित करने और सफाई की मांग की है। वहीं बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश करने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। विक्रम यादव ने कहा कि अधिकारी को फोन करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड 4 अंतर्गत बाबू टोला मेदनी नगर जो हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, लेकिन सरकार का नींद कब टूटता है? जब पानी आ जाता है तब। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। पटना ऐसा शहर डूब गया, 15 साल से नीतीश जी का सरकार है, कोई भी बाढ़ के लिए व्यवस्था नहीं कर रहा है। यहाँ के जो महंत है विक्रम यादव कर रहा है गरीब के लिए ये सब वो सब, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है सरकार के द्वारा पहल, अभी तक कुछ नहीं मिला है। मैं मांग करता हूं कि नगर आयुक्त से, नगर निगम से, कि बाबू टोला मेदनी नगर जो बाढ़ से ग्रसित है, हर आदमी को रिलीफ मिले, जो सरकार अधिक से अधिक मिले, क्योंकि बाबू टोला और मैं बेघर हो गया है, घर पूरे घर में पानी है। परेशानी यही है कि पूरा गांव घर सब डूब चुका है, खाने की परेशानी है, चारा की परेशानी है, गाय माल को भी कुछ नहीं मिल रहे हैं। समस्या के लिए यही कहना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 4 में सरकार को बाढ़ पीड़ित के लोगों को जल्द से जल्द सामान सामग्री और जितना भी मुआवजा है जल्द से जल्द मिले। कुछ नहीं सरकार की तरफ से कुछ नहीं आए हैं, जो भी जनता जनार्दन से मिलकर कर रहे हैं काम। CEO साहब को उस दिन बोले थे, बोले हम आएंगे तो फिर नहीं आए हैं। शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर बांका पंजवारा थाना क्षेत्र में जिला पुलिस एवं SSB जवानों ने फ्लैग मार्च किया। मार्च का नेतृत्व पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह और SSB के अधिकारियों ने किया। इस दौरान फ्लैग मार्च में शामिल जवानों ने पंजवारा थाना क्षेत्र के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए झारखंड बॉर्डर पहुंचे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर NH-80 पर जाम हटाने पहुंचे SDO पर बाढ़ पीड़ितों ने किया पथराव, गाड़ी हुआ क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। सप्तमी पूजा पर मंदिरों और पूजा पंडालों में मां के दर्शन को खुले पट, भक्तिमय माहौल में की गई मां के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना। दो अलग अलग जगहों पर हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, SSP आशीष भारती ने आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। और दुर्गा पूजा को लेकर महिलाओं में दिख रहा है खासा उत्साह, डांडिया की धुन पर जमकर थिरकी महिलाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।